क्या आपको पता है कि गोकू इमॉर्टल है और हो सकता है वो फ्यूचर में नया ओमनी किंग भी बन जाए। ये सब बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, पर मानो या ना मानो ड्रैगन बॉल क्रिएटर्स यही चाहते हैं कि वो आगे जाके गोकू को गॉड बना दे। और इसका सबसे बड़ा हिंट हमें ड्रैगन बॉल जीटी में भी दे दिया गया था, और हो सकता है वही सेम चीज ड्रैगन बॉल सुपर के एंड में भी हो। तो ड्रैगन बॉल जीटी में ऐसा क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं ओमेगा शेनरॉन को हराने के बाद कि किस तरह वो ड्रैगन बॉल्स का गलत यूज करते थे। चाहे वो उसका काम अच्छे यूज के लिए भी करते थे, पर वो पूरी तरह से उसी पे डिपेंड थे। और गोकू समझ गया था कि अगर ऐसे ही बड़ी गलती वो करते रहे तो ओमेगा शेनरॉन से भी बड़ा खतरा आ सकता है, और उसे रोकने के लिए कोई नहीं होगा। तो गोकू डिसाइड करता है कि वो शेनरॉन के साथ मर्ज होकर उसके डायमेंशन में जाएगा और वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। ड्रैगन बॉल जीटी के एंड में वो एक ड्रैगन गॉड बन चुका था, क्योंकि जब वो 100 साल बाद वापस आया था तो उसके सभी दोस्त मर चुके थे और पैन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। पर गोकू वो अभी भी वैसा दिख रहा था जैसे वो हमेशा दिखता है। पर ये बात हम भी जानते हैं कि जीटी कोई कैनन सीरीज नहीं है। फिर ये भी कंफर्म ही हो गया कि वो फ्यूचर में कभी ड्रैगन गॉड बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो उससे भी एक लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि अब वो बनेगा द किंग ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ड्रैगन बॉल सुपर की एंडिंग भी जीटी की तरह दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो एंड में एक गॉड बन जाएगा। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि गोकू इतनी ट्रेनिंग कर रहा है, और शायद हमें फ्यूचर में दिखाया जाए कि खुद ग्रैंड प्रिंस गोकू को ट्रेनिंग दे। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंस की कोई लिमिट्स नहीं होती, तो ये तो पक्का ही है कि वो फ्यूचर में ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिंस से ज्यादा पावरफुल बन ही जाएंगे। और हो सकता है फ्यूचर में वो विलेन आए जिसने ज़ेनोसामा के पेरेंट्स को मारा था, और शायद उसी को हराने के लिए ही ग्रैंड प्रिंस गोकू को बना दे एक नया ओमनी किंग। क्योंकि कई फैंस थ्योरी का ये मानना है कि ज़ेनो का भी एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, पर एक डीमन ने अकेले ही उन सबको मार दिया। ग्रैंड प्रिंस से ज़ेनो के पेरेंट्स में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे रोक सके, तो वो डीमन ग्रैंड प्रिंस और ज़ेनोसामा को छोड़कर सबको मार देता है। और ये बात सेंस भी बनाती है कि पूरे मल्टीवर्स का रूलर एक बच्चा क्यों है। और ये भी हो सकता है जो जो लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, ग्रैंड प्रिंस उन लोगों की एक आर्मी बना दे और वो सब मिलके ही उस डीमन को हराएं। पर इससे आखिर मिलेगा क्या, क्या गोकू को अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा? अगर आपको लग रहा है कि गोकू इस ऑफर को ठुकरा देगा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ड्रैगन गॉड बनते समय भी उसने अपने परिवार से ऊपर पूरे यूनिवर्स को रखा था। हाँ, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि गोकू एक ओमनी किंग बन जाए और वेजिटा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अगर आपको गोकू बीकेम ईविल के सारे पार्ट्स देखने हैं तो वो चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।